प्रिय दर्शकों, ममता किचन रेसिपी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चिचिंडे का भरवा बनाना बताएंगे। तो ये देखिए हरे ताजे कितना ढेर सारे चिचिंडे हैं। तो हमारे यहाँ इस तरीके मंडी लगती है, देखिए चारों तरफ हरी सब्जियां ही सब्जियां दिख रही है। तो जितना हमें जरूरत था उतना हमने मंडी से खरीद लिया है। तो इस तरीके हमने चिचिंडा ले लिया है और सीजन में एक बार आता है, तो इसका भरवा या सब्जी जरूर से जरूर बना के खाना चाहिए। तो चिचिंडा का भरवा के लिए हमने दो बड़ी साइज प्याज बारीक काट लिए हैं, थोड़ा अदरक महीन काट लिए हैं, लहसुन ले लिए हैं, एक लाल तीखी मिर्च ले लिए हैं, दो बड़े चम्मच धनिया ले लिए हैं, एक चम्मच सौंफ है, एक चम्मच जीरा है, एक बड़ी इलायची, पांच छह दाने काली गोल मिर्च है, एक चौथाई चम्मच अजवाइन ले लिए हैं। तो सबसे पहले हमने चिचिंडे को अच्छी तरीके धुल लिया है, किनारे का हिस्सा काट के फेंक दिए हैं और इस तरीके बड़े पीस में काट लेते हैं। आप चाहे तो छिलका उतार कर बनाइए, मगर हम छिलका नहीं उतारेंगे, इसी तरीके बनाएंगे। तो इस तरीके हमने काट लिया है। तो आइए अब आगे के प्रोसेस में चलते हैं। तो मसालों को हल्का रोस्ट कर लेते हैं, ज्यादा नहीं रोस्ट करना है, हल्का से ही रोस्ट करना है। तो मसालों को हमने हल्का रोस्ट कर लिया है, इसे हमने प्लेट में निकाल लिया। तो हम मिक्सी जार में इसे डालेंगे। एक छोटा चम्मच लाल तीखी मिर्च, एक छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, एक बड़ा चम्मच अमचूर पाउडर, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, चुटकी भर हींग डालेंगे। अब इसे हम पीस लेते हैं। तो ये हमने महीन पीस लिया है। अब इसमें हम प्याज, अदरक, लहसुन और लाल तीखी मिर्च डालकर पीस लेंगे। मिर्च आप अपने टेस्ट के अनुसार कम ज्यादा डाल सकते हैं। तो चिचिंडे का भरवा के लिए मसाला हमने तैयार कर लिया है और इसे हम दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं। तो इस तरीके मसाला हमारा रेडी हो गया है। तो अब हम चिचिंडे में चाकू की सहायता से इस तरीके जो बीज का हिस्सा है निकाल लेते हैं। इसमें ज्यादा बीज नहीं निकलते हैं, हल्का से निकलते हैं। ये देखिए इतना सा निकला है। तो अब इसमें हम मसाले भरेंगे। तो मसाले हमें अच्छी तरीके चिचिंडे में भरना चाहिए। तो ये देखिए उंगली की सहायता से इस तरीके दबाते हुए बढ़िया से ठूस ठूस कर मसाला भर देंगे और जो चिचिंडे का बीज निकला था ऊपर इस तरीके लगा देते हैं। ये देखिए तो चिचिंडा में बढ़िया तरीके से मसाला भर गया, दूसरे तरफ भी हमने नहीं निकाला बीज। तो इस तरीके उंगली की सहायता से इस तरीके हम छेद करेंगे और इस तरीके मसाला भरेंगे। तो जब भी आप चिचिंडे का भरवा बनाएं, मसाला बढ़िया तरीके से भरें, तभी हमारा चिचिंडा का भरवा बढ़िया बनता है। तो ये देखिए सभी चिचिंडे में हमने मसाला भर दिया है। इन्हें फ्राई करते हैं। कढ़ाई में दो बड़े चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। अब हम एक एक करके चिचिंडा डाल देते हैं। गैस का फ्लेम मीडियम हाई रखेंगे। हाई फ्लेम में इसे नहीं फ्राई करना है, मीडियम फ्लेम में फ्राई करेंगे ताकि अंदर तक बढ़िया से पके। अब हम 4 मिनट के लिए ढक्कन लगा देते हैं। 4 मिनट हो चुका, ढक्कन हटाएंगे। तो चिचिंडे को हम पलट देते हैं ताकि चारों तरफ बढ़िया से फ्राई हो। ये देखिए कलर काफी चेंज हो गया है। तो सभी चिचिंडे हम पलट देते हैं। हम यहाँ चिचिंडे का भरवा बना रहे हैं और इसकी सब्जी भी बनती है, भुजिया भी बनती है और इसको महीन टुकड़ों में काटकर भी सब्जी बनाई जाती है। तो जिस तरीके आपको इसकी सब्जी पसंद हो उस तरीके आप बनाइए। तो सभी चिचिंडे हमने इस तरीके पलट दिया है। ये देखिए अगर हमारी यह वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, कोई सुझाव हो कमेंट बॉक्स में बताइए और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर वीडियो अब तक आसानी से पहुंचे। अब हम 5 मिनट के लिए ढक्कन लगा देते हैं, गैस का फ्लेम लो कर देंगे। 5 मिनट हो चुका, ढक्कन हटाएंगे। तो ये देखिए चिचिंडे का रंग बिल्कुल तरीके से चेंज हो गया है और बहुत बढ़िया तरीके से पक भी गया है। तो इस तरीके दबाने पर आसानी से देखिए कितना बढ़िया दब रहा है। मिक्सी जार में जो मसाले लगे थे उसमें हमने पानी डालकर धुलकर निकाल लिया है, तो उसे हम डाल देते हैं। अब हम हाई फ्लेम करके 2 मिनट तक और पका लेते हैं। 2 मिनट हो चुका, ढक्कन हटाएंगे।
तो ये लीजिए भरवा बनके तैयार हो गया है। गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं। तो आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि हर वीडियो अब तक आसानी से पहुंचे। तो थाली में हमने दाल चावल रोटी रख लिया है, थोड़ा सलाद के रूप में प्याज मिर्च ले लिए हैं। अब हम चिचिंडे का भरवा रख लेते हैं। आप इस चिचिंडे का भरवा को आप टिफिन बॉक्स में भी दे सकते हैं। बहुत ही टेस्टी यम्मी बनके तैयार हो गया है। तो मिलते हैं कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।